अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल व्लॉग शुरू हो रहा है एक मॉर्निंग वॉक से। काफ़ी सर्दी है यहाँ पे, -4 टेम्परेचर है, लेकिन यूजुअली मैं जॉब पे होती हूँ, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ, घर में ऑफ होता है, तो मैं लाजमी मेक श्योर करती हूँ कि मैं जाऊँ वॉक के लिए, ख़ासकर सर्दियों में, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है वो काफ़ी लेज़ी हो जाती है। आज हम बना रहे हैं इडली ब्रेकफास्ट में, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है। इसका बैटर मैंने रात को ही बना लिया था। मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये स्टिक ना हो। मेरा ब्रश घूम गया, इसकी वजह से मैं टिश्यू से ही इसको लगा दे रही हूँ। ये रेडी टू मिक्स बैटर लिया मैंने। ज़्यादातर तो मैं ओट्स इडली बनाती हूँ, क्योंकि वो लो कैलोरीज हैं और हेल्दी हैं, लेकिन आज मेरे पास यही था तो मैं इसी को ही बना ले रही हूँ। साथ बनाऊँगी मैं चटनी नारियल की। अब इसको हम कर लेते हैं पोर। मैंने ज़्यादा ही डाल दी थी, क्योंकि इन्होंने फूलना भी होता है तो फिर स्पेस नहीं रहता और ये बाहर आ जाती हैं, इसलिए आप जब भी डालें तो थोड़ा डालें, ताकि थोड़ा सा जब ये फूलें तो इनको स्पेस मिल जाए। इनको मैं पोर कर लूँगी हर एक में। उसके बाद हम इसको कुक टॉप पे ही अगर डैप कर देंगे तो इसमें एयर बबल्स नहीं रहेंगे। अब हम डाल रहे हैं। ये बना रही हूँ चटनी। ये बन गई चटनी। इसमें मैंने नारियल, मिर्ची, धनिया, पुदीना, लहसुन डाला था। ये हमारी इडलियाँ भी तैयार हैं। इनको हम चेक करते हैं टूथपिक से और या तो नाइफ से। अगर वो क्लियर आ रही है, इट मीन्स ये तैयार है, क्योंकि ये स्टीम हुई हैं और इसलिए इनके ऊपर एक मॉइस्चर होता है, जो हम थोड़ी देर के लिए अगर बाहर रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बनती हैं। 20 मिनट्स लगे होंगे, मैंने प्रेशर कुकर में डाला था इनको। ये दोपहर के लिए मैंने गोभी काट के रखी है। जिस दिन ऑफ होता है उस दिन काफ़ी कुकिंग शुकिंग होती है। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलूँगी आपको एक अनदर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।